घरवाली छोड़ने के लिए पहले उससे शादी कर डाली, 90 साल की मां को दोपहर में लाइन में लगवा दिया, नोटबंदी से तड़ी पार के करोड़ों रुपए ब्लैक से व्हाइट करवा दिए, फिर जीएसटी लगाकर व्यापारियों का खून चूस लिया और सारा खून राफेल में भरकर नीरव मोदी जैसे राक्षसों को पिला दिया। ये सफेद दाढ़ी वाला आदमी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है, इसका अहंकार देश को बर्बाद कर चुका है। इनसे इस्तीफा मांगिए और कहिए अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करो, भारत माँ की सेवा तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम घरवाली के साथ घर में नहीं रह सके तो गुफा में कहाँ रह पाओगे? ग्रस्त जीवन का संघर्ष नहीं झेल पाए, संन्यास की तपन कहाँ झेल पाओगे? आदरणीय और प्यारे भाइयों, हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी तरफ सरकार समर्थक ग्रुप इस बात को हमेशा की तरह बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है कि भारत सरकार का विदेशी मुद्रा कोष 500 अरब डॉलर हो गया है। सरकार समर्थकों को लग रहा है कि ये सब सफेद दाढ़ी गुफा वाले बाबा, उनके पूजनीय बाबा जी का किया हुआ चमत्कार है। लेकिन समर्थकों की आंखों की पट्टी उतारने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 500 अरब डॉलर का कोई चमत्कार नहीं हुआ है। ये हुआ है क्योंकि पिछले 2 महीने से लॉकडाउन लगातार चला रहा है और इस बीच तेल की खपत ना के बराबर हो गई थी और भारत को कोई आयात की पेमेंट नहीं करनी पड़ी, इसलिए पैसा जमा हो गया। आपने बीच में सुना होगा कि कच्चे तेल की कीमत माइनस में पहुंच गई है। माइनस का मतलब यह था कि प्रोडक्शन कॉस्ट 0 से भी कम हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन पर्याप्त था लेकिन खरीदार नहीं था। असर यह हुआ कि तेल कंपनी उल्टा पैसे देकर तेल बेचने लगी थी। इस समय दुनिया के सबसे आबादी वाले दो बड़े देश भारत और चीन ने तेल का काफ़ी स्टॉक भी किया है और तेल की कीमत में आई गिरावट का फायदा भी लिया है, जो हमारे लिए सुखद सूचना थी। लेकिन लॉकडाउन खुलते ही सरकार ने लगातार तेल की कीमत बढ़ाकर वो 20 लाख करोड़ जो दिए ही नहीं, उनकी वसूली भी चालू कर दी। तेल की कीमत का बढ़ना और विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ना दोनों अलग अलग कहानी कहती हैं। पहले विदेशी मुद्रा का मामला समझते हैं। ये ऐसा है कि भारत में सामान्य तौर पर, मतलब लॉकडाउन को छोड़ दें, तो लगभग 46 से 50 लाख बैरल प्रतिदिन की खपत होती है, लेकिन लॉकडाउन होते ही इसमें 30% की कमी आ गई। तो हुआ यूं कि भारत ने जो तेल खरीदा उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़े, क्योंकि विदेशों से आने वाले हर आयात के लिए हमें विदेशी मुद्रा की कीमत चुकानी पड़ती है, जो बहुत कम हो गई। तो जाहिर है मुद्रा भंडार में स्टॉक बढ़ गया, लेकिन इस गणित का क्रेडिट भी सरकार समर्थक मोदी जी को ही देने में लग गए। हालांकि मूर्खों को ज्ञान तो है नहीं कुछ, जो 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से निकलता है वही ये लोग बांटने लग जाते हैं। अब उस 8000 स्क्वायर मीटर की हाईटेक बिल्डिंग में 70 कमरे हैं जो एक तरफा नफरत की फैक्ट्री हैं, क्योंकि 2 मंजिला इमारत में सिर्फ नफरत के पुजारी बैठते हैं। यहां से निकलने वाली हर बकवास को बाबा जी का प्रसाद मानकर इनके समर्थक निकल जाते हैं। पर क्या करें, हम जैसे लोग इनकी करतूत जान चुके हैं, इसलिए बिना घूंघट उठाए भरोसा नहीं करते दोस्तों। और असली सूरत घूंघट उठाते ही सामने आ ही जाती है। तो विदेशी मुद्रा का मामला खत्म, ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है, बाबा जी का इसमें कोई चमत्कार नहीं है। वैसे भी बाबा जी के राज में अगर कोई कोष बढ़ा है तो सिर्फ तकलीफों का कोष बढ़ा है, आंसुओं का कोष बढ़ा है, और ये पाप वो अपने घर से शुरू करते हुए दिल्ली तक पहुंचे। अब बात करें पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की, तो आप बताइए भाई,
ये देश किसका है, ये देश किसके लिए है और ये देश क्यों है। देश जनता का है, जनता के लिए है और जनता के विकास के लिए देश है। लेकिन बाबा जी को पता नहीं किस किताब का नक्शा दिमाग में भर गया है। इस आदमी को सब कुछ उल्टा ही समझ में आता है। घरवाली छोड़ने के लिए पहले उससे शादी कर डाली, 90 साल की मां को दोपहर में लाइन में लगवा दिया, नोटबंदी से तड़ी पार के करोड़ों रुपए ब्लैक से व्हाइट करवा दिए, ना आतंकी हमले रोके ना आतंकी रोके, फिर ये देश की जनता को चूस कर सरकारी खजाने भरने में लग गया। यार ये पागल आदमी ये क्यों नहीं समझता कि देश की जनता को अमीर बनाकर अमीर बना सकते हैं देश को। जनता का खून चूस कर सरकार अमीर नहीं बनाई जाती, देश अमीर नहीं बनाया जाता। ये तो वही सुखीराम लाला की तरह गरीबों को कर्ज में दबाकर उनकी संपत्ति हड़पने जैसा है। पहले आपके घर के दबे हुए नोट हड़प लिए, फिर GST लगाकर व्यापारियों का खून चूस लिया और सारा खून राफेल में भरकर नीरव मोदी जैसे राक्षसों को पिला दिया। भाइयों, सीधा सा सवाल यह है कि 2 महीने से लॉकडाउन के बीच कच्चे तेल की कीमत जब -$37 हो गई थी, तब सरकार ने इन कीमतों का फायदा देश को क्यों नहीं दिया, कीमत ₹50 लीटर क्यों नहीं की। और फिर जब आज मात्र $40 के आसपास है तो भी सरकार लगातार कीमत बढ़ा रही है। मतलब 6 साल से जो आर्थिक मंदी में जनता मर रही थी उस पर कोई रहम नहीं आया सरकार को। 2 महीने के भीषण लॉकडाउन से काम धंधे चौपट हो गए, दुकानें खुलकर भी खाली पड़ी हैं, फैक्ट्री में लेबर नहीं है, ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा है। इस हालात में लोगों के पास घर का किराया भरने के पैसे नहीं है और ये इंसानों का खून पीने वाली सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने में लगी है। क्या कमाना चाहती है सरकार और क्या कहां बांध कर ले जाना चाहती है सरकार? जब हमारे देशवासी नहीं बचेंगे तो किसका देश चलाओगे? खाली मकानों का, लुटे हुए घरों का, वीरान रास्तों का देश चलाओगे? खाली खड़ी ट्रेन और जमीन पर पसरे हवाई जहाजों का देश चलाओगे? सुनसान फैक्ट्री, ताले लगी दुकानों का देश चलाओगे? जब लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या शमशान और कब्रिस्तान का देश चलाओगे? भाइयों, ये सफेद दाढ़ी वाला आदमी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। इसका अहंकार देश को बर्बाद कर चुका है। अब रही सही कसर, ये हम सबको भी मरने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए अभी भी वक्त है, इनसे इस्तीफा मांगिए और कहिए अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करो, भारत माँ की सेवा तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम घरवाली के साथ घर में नहीं रह सके तो गुफा में कहाँ रह पाओगे? गृहस्थ जीवन का संघर्ष नहीं झेल पाए, संन्यास की तपन कहाँ झेल पाओगे? तुम खुद भी मिट जाओगे और इस देश को भी खा जाओगे। इस्तीफा दे दो बाबा जी, कम से कम नरक में तो जगह मिल जाएगी। जय हिंद भाई।